हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, कवर कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने जो 5 ऑप्शन दिया था उसमें से 4 ऑप्शन तक का स्टडी हमने कर चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ऑप्शन नंबर 5 का हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले आपसे जरूरी बात यह करने की, यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला बताया गया था अथवा एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो आप नहीं देखें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10² 45° अपान sin² 30° प्लस cos² 30° का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मान रखते हैं टेबल से। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और देखिए क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बटे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बराबर लगा देते हैं 5 cos² 60°। तो cos 60° का मान कितना होता है, 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ देख 4 sec² 30° तो हो जाएगा 4 × एंड sec 30° का मान कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए cos 30° का मान मालूम होना चाहिए। cos 30° का मान होता है अंडर रूट का 3/2, तो sec के लिए हो जाएगा 2/√3 ऑफ होल स्क्वायर। माइनस 10² 45° का मान कितना होता है, 1 स्क्वायर। नीचे sin 30° का मान होता है 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, एंड cos 30° का मान होता है अंडर रूट का थ्री बाई टू ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बटे लगाएंगे सबसे पहले। अब देखिए ए हो जाएगा 1/4 मीन्स ए हो जाएगा 5/4 प्लस, यहाँ देखिए हो जाएगा 4 मतलब 4 × 16, ये हो जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। एंड नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले बटे लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 एंड ऊपर। अब देखिए इसका रूल होता है 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 12 और 16 × 64 और ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। एंड नीचे क्या हो जाएगा, 4 का ए 4 ही हो जाएगा और नीचे ऊपर भी हो जाएगा यहाँ पे 4। अब इसका रूल होता है कि नीचे वाले का इसके साथ में गुणा करेंगे और इसका इसके साथ में गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी देखिए इसको ऐड कर लेते हैं टोटली, या फिर देखिए ए 4 से 4 यहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 64 + 15 जोड़ते हैं कितना होगा, 5 = 4 = 9 और 6 + 1 = 7 माइनस का 12 और बटे 12 बचा है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब देखिए 79 में से 12 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 7 में से 1 घटाएंगे 6, 67/12 और यही फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, आपको बस टेबल से मान रखना है और मान निकालना कैसे आप सीखेंगे, तो आपके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला आपको बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का जो मान होता है वो कैसे निकालेंगे और कैसे याद करेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो आई होप आप जा करके वीडियो को देखेंगे, फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का स्टडी करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसको सॉल्व करना आपको और बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए 1 का 2 का 1 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया कि 2 tan 30° अपान 10² 30°। अब इसका मान इसी चारों में से कोई एक होने वाला है, अब कौन सा होगा उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 2 tan 30° अपान 1 + 10 30°। अब देखिए 10 30° का जो मान होता है वो होता है 1/√3 अपान ये हो जाएगा 1 + 1/√3। अब इसको सिंपली
देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है इसका आप फुल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, यहाँ से इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 3 का 3 होता है, तो ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक स्टेप, ये हो जाएगा 2 बाई का रूट 3 और पूरे के बट्टे हो जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। अब 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात लिख लेते हैं 4। अब ए बीच बीच वाले का बीच वाले के साथ में गुणा करते हैं और इसका इसके साथ में गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 × 3 बाई 4 √3। अब इसको काट देते हैं 2 × 2 = 4, तो यहाँ से मिलेगा 3 बाई का 2 √3। अब इसमें से मैच कराते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अभी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही प्रमेयकरण करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ये हो जाएगा 3 बाई का 2 √3। और प्रमेयकरण के लिए √3 से नीचे भी गुणा करेंगे और √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3√3 / ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो यहाँ से अब मिलाते हैं कि किसका मान होगा, तो √3/2 और किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं सेकंड का। इसमें कह रहा कि 1 − tan 45 °/1 + tan 45 °, का मान बताइए। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे 1 − tan²45 °/1 + tan²45 °, ठीक है। अब मान रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1 − tan 45 °, का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे भी हो जाएगा 1 + tan 45 °, का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 − 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0/2। और जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो अभी यहाँ से मैच करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में टेन 90 डिग्री, बी में 1 है, सी में साइन 45 डिग्री एंड डी में क्या है, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अभी जस्ट हम लोग स्टडी करते हैं थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। और थर्ड में कह रहा है कि साइन 2a = 2 sin a सत्य होता है जबकि a बराबर हो किसके बराबर हो। चार ऑप्शन दिया, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है और आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री एंड बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री एंड डी है 60 डिग्री। तो कौन सा होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ दिया अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया कि sin 2a = 2 sin a, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin a × cos a = 2 sin। अब यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी a लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट जाएगा कि 2 sin a कट जाएगा, यहाँ पे 2 sin a एक कट जाएगा एंड यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, cos a, ठीक है। तो cos a को आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे cos a = 1, ठीक है। ये चीज़ तो कट गया, 2 sin a × 2 sin a कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि cos a = अब cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए cos से cos डिस्कनेक्ट हो जाएगा और a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से अभी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर a जो है मैच खाता है, तो a कहेंगे कि ऑप्शन नंबर a इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अभी जस्ट हम लोग स्टडी करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो चलिए उसका स्टडी करते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फाइंड करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी का मान रूट थ्री माना हो और टेन ए माइनस बी का मान वन बाई का रूट थ्री माना हो तो हमें ए और बी ज्ञात करना है। कितना मुश्किल है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए लेकर चलते हैं। यदि यहाँ पे दिया कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है, तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर वन। और हम लोग जानते हैं कि टेन कितने डिग्री का मान होता है रूट का थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू रूट का थ्री, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट वन और टू को लेकर चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देख रहे हैं कि वन और टू का RHS मतलब राइट हैंड साइड दोनों का आपस में क्या इक्वल है, तो इसके LHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री, ये बहुत आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, टेन से टेन डिसकनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ए प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, सिक्सटी डिग्री आएगा, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि देख रहे हैं कि टेन ए माइनस बी को एज्यूम किया इसका मान वन बाई का रूट थ्री, तो अब वही लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे टेन, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, ठीक है, सेकेंड स्टेप लेकर चल रहे हैं वहाँ से। तो टेन ए माइनस बी का मान एज्यूम किया कि वन बाई का रूट थ्री, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फोर, जबकि एक्चुअल में टेन कितने डिग्री का मान वन बाई का रूट थ्री होता है, थर्टी डिग्री का। तो यहाँ से लिखेंगे कि टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई का रूट थ्री, ठीक है, इसको हमने एज्यूम किया, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फिफ्थ। एंड यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ वी गेट। तो फोर का और फाइव का यदि हम RHS देखें, इसके राइट हैंड साइड देखें, तो दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो सीधी सी बात है इसके LHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन 30 डिग्री। अब देखिए, 10 से 10 डिसकनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि अभी देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर सिक्स को लेकर चलें। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन थ्री एंड सिक्स, थ्री एंड सिक्स को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थ्री कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंड देखिए, ए कह रहा है कि इक्वेशन नंबर सिक्स ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए माइनस का बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए बी से बी डिसकनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। अब बी का मान फाइंड करना है, तो बी को बहुत आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब ए का मान इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री क्या कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस का बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए का मान अभी हमने फाइंड किया 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से बहुत आसानी तरीके से हम फाइंड करेंगे बी का मान हो जाएगा 60 माइनस का 45। अब यहाँ से फाइंड करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 5 में 4 घटाएंगे 1, 15 डिग्री। तो देखिए, क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे अज्यूम किया था कि यदि टेन ए प्लस बी का मान रूट थ्री हो और ए माइनस बी का मान वन बाई का रूट थ्री हो, तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो कितना आसानी तरीके से हमने फाइंड किया है, सबसे पहले देखिए जो दिया है इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर वन, जबकि एक्चुअल में टेन कितने डिग्री का मान रूट थ्री होता है, टेन 60 डिग्री का होता है, तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को लेकर चलेंगे
तो हमें एक रिलेशन मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि टेन ए माइनस बी का मान 1/√3 हो, लेकिन एक्चुअल में टेन कितने डिग्री का मान होता है, 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फोर और इसको मानेंगे फिफ्थ। फिफ्थ फोर और फिफ्थ को लेकर चलेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स। थ्री एंड सिक्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री, एंड इसी ए का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में अथवा सिक्स में जब पुट करेंगे तो बी का मान भी हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, 15 डिग्री 15 अंश। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थ्री का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें आपको टिक करना है, सही गलत का निशान लगाना है, और इसमें टोटल पांच क्वेश्चन है। फर्स्ट में कह रहा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा, क्या ये सत्य है कि असत्य है, तो असत्य है। ठीक है, इसको टिक करेंगे असत्य। सेकेंड में कह रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये बात सत्य है। ठीक है, एंड थर्ड कह रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, असत्य है। ठीक है, साइन के में वृद्धि होता है लेकिन कॉस में नहीं होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा होता है, तो असत्य है। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन कह रहा क्या असत्य है, तो उसको क्रॉस कर देंगे, सीधी सी बात है। एंड लास्ट देखिए कह रहा कि इसमें कि a इक्वल टू जीरो पर कॉट a परिभाषित नहीं है, सत्य है, क्योंकि यदि थीटा का मान हम कितना लें जीरो तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा ना कॉट के लिए वो, तो इसलिए क्या है असत्य है वो। ठीक है, मतलब जो कथन कह रहा है क्या है सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नावली 8.2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।